दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करेंगे बंधन बैंक के करंट अकाउंट और भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI करंट अकाउंट को, जिससे आप ये तय कर सकें कि आपको चालू खाता मतलब करंट अकाउंट कहाँ खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोनों बैंक से करंट अकाउंट को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। इस वीडियो में इन दोनों बैंक्स के उन करंट अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे जिनमें सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और बैलेंस भी थोड़ा कम मेंटेन रखना होगा। बंधन बैंक में करंट अकाउंट का नाम है बिज स्टैंडर्ड करंट अकाउंट। SBI में करंट अकाउंट का नाम है रेगुलर करंट अकाउंट। ये दोनों ही अकाउंट्स इन बैंकों के लोएस्ट बैलेंस वाले करंट अकाउंट हैं। जो चार्जेस मैं यहाँ बताऊँगा उन पर GST अलग से लगेगा, जो 18% है। बंधन बैंक में अकाउंट 5,000 रुपये से खुलेगा, जिसे मंथली मेंटेन भी करना होगा, वरना 300 रुपये का नॉन मेंटेनेंस चार्ज कटेगा। SBI में खाता 5,000 रुपये से खुलेगा और उसे एवरेज मंथली बैलेंस यानी AMB के रूप में मेंटेन भी करना पड़ेगा। AMB मेंटेन न रखने पर हर महीने 500 रुपये तक का चार्ज पड़ेगा। बंधन बैंक में मैक्सिमम 50 चेक लीव्स फ्री मिलेंगी पर मंथ, जिसको पार करने पर 2 रुपये पर लीव का चार्ज कटता है। SBI में एक चेकबुक 50 लीव्स की फ्री मिलती है हर महीने, और फ्री चेकबुक खत्म होने के बाद 3 रुपये पर लीव तक का चार्ज पड़ता है। दोनों बैंकों में SMS अलर्ट्स की सर्विस पर कोई चार्ज नहीं पड़ता है। बंधन बैंक में कैश डिपॉजिट की लिमिट 2,00,000 रुपये पर मंथ है, जिससे ज़्यादा डिपॉजिट करने पर 100 रुपये प्लस हर 1,000 रुपये डिपॉजिट करने पर 3.5 रुपये तक का चार्ज देना पड़ता है। इसमें कैश विड्रॉल अनलिमिटेड किए जा सकते हैं। POS से कैश विड्रॉल करने पर ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% जितना चार्ज देना पड़ेगा। SBI में 5,00,000 रुपये पर मंथ तक कैश डिपॉजिट फ्री कर सकते हैं। फ्री लिमिट के बाद 50 रुपये प्लस हर 1,000 रुपये डिपॉजिट करने पर 75 पैसे तक का चार्ज पड़ेगा, जो मैक्सिमम 20,000 रुपये तक हो सकता है। नॉन होम ब्रांच से अकाउंट होल्डर खुद 1,00,000 रुपये तक कैश निकाल सकता है। बंधन बैंक के अकाउंट में रुपए क्लासिक कार्ड 150 रुपये में इशू होगा और दूसरे साल से 200 रुपये का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ेगा। दूसरे वेरिएंट्स जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड के डेबिट कार्ड ज़्यादा अमाउंट में इशू होंगे और बाकी चार्जेस भी उनमें बढ़ जाएंगे। SBI में प्राइड बिजनेस डेबिट कार्ड फ्री में इशू होगा और उसमें 350 रुपये का AMC चार्ज लिया जाएगा और कार्ड रिप्लेसमेंट पर 300 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। बंधन बैंक में नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा कस्टमर को इस अकाउंट में फ्री मिलेगी। ईमेल स्टेटमेंट भी फ्री मिलेगा। SBI में नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा कस्टमर को हर अकाउंट में फ्री मिलेगी और स्टेटमेंट 1 महीने में 1 मिलेगा, जो फ्री होगा। ईमेल देने पर ई स्टेटमेंट मिल सकता है, जो फ्री है। बंधन बैंक में नेफ्ट, RTGS, IMPS के 5 फ्री ट्रांजेक्शन्स पर मंथ अलाउड हैं। इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स अमाउंट के अकॉर्डिंग चार्जेबल होंगे। SBI में नेफ्ट, RTGS अमाउंट के अकॉर्डिंग चार्जेबल हैं। बंधन बैंक में अकाउंट ओपन करने के पहले 14 दिनों में अगर अकाउंट क्लोज करते हैं तो कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 6 महीने में अकाउंट क्लोज करते हैं तो 300 रुपये का चार्ज पड़ता है। 6 महीने के बाद कभी भी खाता बंद करें कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। SBI में पहले 14 दिनों में अगर खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर खाता खोलने के 15 दिन से 1 साल के बीच खाता बंद करते हैं तो इंडिविजुअल करंट अकाउंट के केस में रूरल लोकेशन पर 300 रुपये और अदर लोकेशन पर 500 रुपये का चार्ज पड़ता है। नॉन इंडिविजुअल अकाउंट के केस में रूरल लोकेशन पर 400 रुपये और अदर लोकेशन पर 600 रुपये का चार्ज पड़ता है। 1 साल के बाद खाता बंद करने पर कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे बंधन बैंक के करंट अकाउंट और SBI के करंट अकाउंट के, जो मैंने अकाउंट वाइज आपको बताने की कोशिश की है। दोनों ही बैंक्स अपने कस्टमर्स को पूरी सुविधाएँ दे रहे हैं और लगभग कई चार्जेस में बंधन बैंक ने SBI को अच्छी खासी टक्कर दी है, जिसकी वजह से देखा जाए तो SBI से ज़्यादा अच्छा बंधन बैंक दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।